हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में जरा सा एमबीए इन एचआर 30 में एमबीए एचआर के लिए बात करते हैं, बिकॉज टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज इन मुंबई, इट इज़ अ वेरी गुड इंस्टीट्यूट एंड वन ऑफ द बेस्ट एमबीए कॉलेजेस इन आवर कंट्री। बिकॉज एक्सएलआरआई का बाद इसको 30 का जो एमबीए है उसको माना जाता है सबसे अच्छा, बिकॉज एक्सएलआरआई का एमबीए इन एचआर इज नंबर वन, बिकॉज दैट इज अ लेबर रिलेशन इंस्टीट्यूट। यू विल गेट ए पैकेज ऑफ 80 लाख रुपीज फ्रॉम एक्सएलआरआई, बट इन केस ऑफ टीस, इफ यू विल ज्वाइन थ्रू टीस नेट एग्जामिनेशन, नो अदर एग्जाम विल बी एक्सेप्टेड एक्सेप्ट टीस नेट। टीस नेट सेपरेट एग्जाम होते हैं एंड उसके लिए अलग करके फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एंड आपको एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं बोल रहा हूँ, जो चीज़ टीस नेट के आपको 70+ परसेंटेज लाने से आपको कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब इंटरव्यू होने के बाद आपको सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। टीस नेट में एमबीए इन एचआर इज़ वेरी गुड, यू विल गेट एटलीस्ट 30 to 35 lakhs पैकेजेस इफ यू विल स्टडी हार्ड इन दैट कॉलेज एंड इफ यू विल डू द बेस्ट, इफ यू विल गिव योर एफर्ट बेस्ट, देन यू विल गेट, ओके। तो इसके लिए मैं जो बात कर रहा हूँ, जो चीज़ के लिए फीस इज़ वेरी लेस, दैट इज़ 2.07 lakhs, दैट इज़ आरओआई के लिए बहुत ही अच्छा कॉलेज है टीस नेट एंड एवरेज सिटीज इज ऑलमोस्ट 27 lakh, ओके। 27 lakh इज़ द एवरेज एंड हायर सिटीज इज ऑलमोस्ट दैट 35 to 40 आपको वेरी करता रहता है, ओके। तो 27 lakh मतलब 30 lakh का आसपास आपको फीस है एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एम बी ए नेचर इज़ वेरी गुड। पहले आपको बोल रहा हूँ एक्सएलआरआई जमशेदपुर या आपको दिल्ली कैंपस का आपको एम बी ए नेचर इज़ गुड, देन और तेरा टीस का नंबर, ठीक है। एम बी ए नेचर के लिए ह्यूमन रिसोर्स इज़ ए वेरी गुड सब्जेक्ट, क्योंकि क्या होता है ना, ह्यूमन रिसोर्स में काम करोगे तो एडमिनिस्ट्रेशन, पर्सनल मैनेजमेंट, पुरानों को बोलता था पर्सनल मैनेजमेंट, आप कहीं जाकर एचआर में काम कर सकते हो, दैट इज़ ए वेरी गुड जॉब, ओके, हम लोग माना जाता है। तो ऐसे ही है, तो इसके लिए टीस नेट देना पड़ेगा। टीस नेट का सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है कि वहाँ पर जीके रहता है। अगर जनरल नॉलेज में आपका बहुत ही अच्छा नॉलेज हो तो आप वहाँ पर बिल्कुल अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज अप्लाई करके आपको रिजल्ट भी आ जाएगा। लेकिन जनरल नॉलेज आपको पूरा एकदम हाथ में रहना चाहिए, तब जगह होगा, अदरवाइज आपका नहीं होगा कन्वर्ट। क्योंकि आपको जनरल नॉलेज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या ना, आपको डेली का डेली न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, जो चीज़ मैं बार बार बताता रहता हूँ, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम्स या आपको अदर लोकल अंग्रेजी न्यूज़पेपर, किताब पढ़ते रहिए, खेला का खबर देखते रहिए। उसके बाद आपको जैसे कि ना मिंट बोल के एक तो आपको न्यूज़पेपर आता है, उसको रजिस्ट्रेशन करके रखो, ऑटोमेटिक आपके पास डेली आ जाएगा आपको ईमेल में, तो आप उसमें कर सकते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या होगा, जनरल नॉलेज आपको अच्छे होंगे एंड यू विल हैव ए गुड नॉलेज इन जनरल नॉलेज, ओके। तो इसीलिए मैं बात कर रहा हूँ जो टीस नेट का एग्ज़ाम, टीस नेट इज़ ए वेरी गुड एग्ज़ाम एंड दैट इज़ ऑलमोस्ट ईजीएस्ट एग्ज़ाम, क्योंकि आपको रीजनिंग, क्वांट का क्वेश्चन वेरी ईजी रहता है, अंग्रेजी का क्वेश्चन बहुत कम रहता है, जीके का क्वेश्चन रहता है। तो 70+ होने से आपको क्या है ना, कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब फाइनल कन्वर्ट हो जाएगा एम बी ए नेचर एंड एवरेज सिटी सी 27 lakh एंड आपको फीस है 2.07 lakhs, ओके। सो वन सेकेंड, दोस्त लोगों के बीच में ये वाला मैसेज सेट कर दीजिए, बिकॉज विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि सबको सब कुछ जानना जरूरी है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, गॉड ब्लेस यू गाइस, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, आप सब्सक्राइब करो, इसको बेल आइकन का दबा कर रखो, ऐसे आपको वीडियो लेकर मैं बहुत बार आते रहूँगा, बिकॉज इस बार टीस नेट का जो एक्सपीरियंस है 24 के लिए, उसके लिए आपको बहुत ही अच्छा है। अगर आप करोगे तो, अभी से प्रैक्टिस करोगे तो बहुत समय है, क्योंकि एग्जाम होता है आपको जनवरी फरवरी महीने में, फरवरी 24 में आपको एग्जाम होने वाला है, ओके। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।